प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, उसको मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन दविंदर सिंह गगनदीप सिंह चंडीगढ़ जी। दोस्तों की गल करिए, दविंदर अहम चीज कह रहे हैं कि अनइंप्लॉयमेंट दिहाड़ा है। चलो साहब, लगता है कि रोजगार के बहुत सारे वादे हुए थे, देश के प्रधानमंत्री ने बहुत सारी गल्लां कहियां सीगियां, वो वफा नहीं हुई, तो इसे करके तुम अज ये दिहाड़ा मना रहे। जी बिल्कुल, देखो जिहड़ा मोदी साहब ने कहा सीगा भी 2 करोड़ नौकरियां दवांगे, उन्हां दे जन्मदिन ते उन्हां नूं याद कराईदा भी मोदी साहब 2 करोड़ नौकरियां कित्थे गईयां, नौजवान कित्थे जावे, कित्थे मनावे रोजगार, कित्थों लवे रोजगार, कित्थे अपनी डुगरियां नूं लैके अग्गे पहुंचे। और अज उन्हां नूं उहनां दी योग्यता दे हिसाब नाल कम कोई बड़ा नहीं, ना पुछो ना पकौड़े करो, लेकिन जिहड़े योग बंदे आ जिहड़े डिग्रियां लैंदे आ, जिन्हां ने अपने मां प्यो दे पैसिआं दी अपनी उन्हां दी मेहनत दी कमाई नाल उत्थे फीसां भरियां, ओह कित्थे जा पकौड़े तलने भी सौखे पे आ जी। तेल का जो पहला रेट जो होंगे 60-70 रुपये बोतल होंगी सी, अज वह बोतल जी 200 रुपये में पहुंच गई है। सो महंगाई ने साडा जो लाख तोड़ता सिलेंडर की गल करिए 450 रुपये का सी, अज 1150 रुपये का सिलेंडर मिलना पाया। सो इस करके जेडे पकौड़े जेडे जिदा मोदी साहब ने हवाई फैर की उस तरीके नाल सी जेडे आवाज दी यात्रा करन दा पैंदा वा कदी कदी दौरा पड़दा। ए गल नौजवान दे, ए नौजवान कित्थे जा रहे कि अज संसद दे कम दा मन पे जी दा थोड़ा बना दी, बस कई सारे मुद्दियां भी वंडियां जा रहीयां, और ए वी चीजें देखो पा जेड़ा अस्सी गल जदों होंदी आ उहनां दे बारे भी चर्चा करके जिहदे करके साडे जेड़ा बेरोजगारी सारे जेड़ा पंजाब मतलब पूरा जेड़ा तो अभी हम लोग खड़े हैं चंडीगढ़ सेक्टर 17 प्लाजा में, जहां पे आप देख सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से एक यूनिक माफ कीजिएगा कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के विरोध में एक प्रदर्शन किया गया। हम कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर हम कह सकते हैं कि जहां पर बीजेपी की तरफ से आज कहीं केक कटिंग वगैरह नहीं हो रही है, उनकी तरफ से बाकायदा अलग अलग प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, चाहे कहीं पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए तो कहीं पर हेल्थ चेकअप कैंप लगाए, और कुछ जगहों पर अगर हम कह सकते हैं कि अलग अलग प्रोग्राम्स किए गए हैं, पर केक कटिंग सेरेमनीज वगैरह अवॉइड इस बार की गई है। तो इस बार हम कह रहे हैं कि फिर भी अगर हम क्या ट्विटर खोलेंगे, आप ट्विटर पे देखेंगे तो दो चीजें ट्रेंड कर रही हैं, एक जहां पे हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की बधाई है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस। तो दो चीजें हैं, दो पहलू हैं, दोनों ही चीजें आज के दिन मनाई जा रही है। लगातार हम कह सकते हैं कि जब से कांग्रेस विपक्षी तौर पर तब से ये चीज मनाई जा रही है, कई वादे किए गए थे, क्योंकि एक वादा जरूर था कि हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो हम कह सकते हैं कि रोजगार है वो नहीं मिल पा रहा, रोजगार हम कहें या फिर हम कहें बेरोजगारी दर लगातार ऑल टाइम हाई पे चल रही है। जब से हम कह सकते हैं कोविड आया, कोविड के बाद हम कहें नॉर्मल टाइम पीरियड भी शुरू हुआ, तो उसके बाद से तब भी लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानियां हैं, और यही चीज इस तरह के प्रोटेस्ट के तौर पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे यूथ खड़ा है, उनसे बात करते हैं। तो जनाब, कोट कूट पहना हुआ है, ग्रेजुएशन की वर्दी पहन के पहुंचे हो, पर लग नहीं रहा कि कोई फायदा आगे लग रहा है। देखिए, आपके सामने यहाँ मोदी साहब के कहने पे यही है कि पकौड़े तलना और क्या बोलते हैं बूट पास करना भी एक मतलब एम्प्लॉयमेंट है, और मैं ये सभी चीज़ों का सत्कार भी करता हूँ। ये नहीं कि हम किसी का कोई मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन ये चीज यही है कि मोदी साहब को ये चीज देखना चाहिए कि कैसे हमारा जड़ा जो हमारे देश का युवा है वो किस तरीके से अनएम्प्लॉयड है, और एनर्जी जो है वो एक गलत डायरेक्शन में चैनलाइज हो रही है उसकी, उसको सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना चाहिए, और देश को जो जैसे 2 करोड़ 2 लाख नौकरियों का वादा किया है वो उनको हर साल जो है निभाना चाहिए। तो आप जैसे देख सकते हैं कि कई वादे, कई प्रॉमिसेज, एक्सपेक्टेशंस यूथ ने रखी हैं पर वो फुलफिल नहीं हुई। अब वही सवाल है कब ये फुलफिल होंगी, कब हमारा यूथ जिसको एक मुकाम चाहिए, एक टारगेट चाहिए, एक अचीवमेंट के लिए कुछ चाहिए, वो मौका कब सरकार उन्हें दे पाएगी। चंडीगढ़ से अमित कुमार।